ओम परमात्मने नमः। 13वें अध्याय में आगामी 7 मन्वंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षक, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्वत मनु हैं। यह वर्तमान मन्वंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूं। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं, इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, सरयाति, नरस्यंत, नाभाग, दृष्ट, करुष, प्रसग्न और वसुमान। परीक्षित, इस मन्वंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु, ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर इनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, ये सप्त ऋषि हैं। इस मन्वंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मन्वंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मन्वंतरों का वर्णन करता हूं। परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6 स्कंद में बता चुका हूं कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उन्हीं की एक तीसरी पत्नी वड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम वड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्ध देव। छाया के भी 3 संतानें हुई, सावर्णी, शनिश्चर और तपती नाम की कन्या जो संवरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने वड़वा का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मन्वंतर में सावर्णी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोक, ब्रजस्क आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरुचन के पुत्र बलि। तो विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पद पृथ्वी मांगी थी, परंतु उन्होंने इसको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वही इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर यही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वस्थामा, कृपाचार्य, ऋषिरंग और हमारे पिता भगवान व्यास, ये 8वें मन्वंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देव गुहियों की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज छीन कर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9 मनु होंगे। भूम केतु, भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मन्वंतर में द्योतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी, उनमें समस्त सदगुण निवास करेंगे। भूरिसेन आदि उनके पुत्र होंगे। हविष्मान
सुकृति, सत्य, जया, मूर्ति आदि सप्तऋषि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे, और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसृजा की पत्नी विसुचि के गर्भ से भगवान विष्णु कसेन रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। ग्यारहवें मनु होंगे अत्यंत संयमी, धर्म सावर्णी, उनके सत्य धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। व्यंगम, कामगम, निर्वाण ऋषि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुण आदि सप्तऋषि होंगे और वैधरत नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी वैधरता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा, और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित, बारहवें मनु होंगे रुद्र सावर्णी, उनके देववान, उपदेव, देव श्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मन्वंतर में ऋतधामा नामक इंद्र होंगे। हरित आदि देवगण, तपोमूर्ति, तपस्वी, आग्नि धन आदि सप्तऋषि होंगे। सत्य सहा की पत्नी सूर्यता के गर्भ से सुधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा, और उसी रूप में भगवान उस मन्वंतर का पालन करेंगे। तेरहवें मनु होंगे परम जितेंद्रिय, देव सावर्णी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे, तथा इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय दिनमोक और तत्वदर्श आदि सप्तऋषि होंगे। देवहूत्र की पत्नी बृहती के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा, और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्र पद देंगे। महाराज, चौदहवें मनु होंगे इंद्र सावर्णी, अरु गंभीर, बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र, चाक्षुष आदि देवगण होंगे, और इंद्र का नाम होगा सुचि। अग्नि, बाहु, सुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्रायन की पत्नी वेताना के गर्भ से बृहद्वान के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे, तथा कर्मकांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मन्वंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1000 चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। अतः यह 13वां अध्याय समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।